नमस्कार, फिल्म रिपीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। प्रियंका चोपड़ा पर सलमान खान ने फिर साधा निशाना। कहा, प्रियंका ने ज्यादा टाइम नहीं दिया। बता दें कि भारत छोड़ने पर सलमान खान ने एक बार फिर से देसी गर्ल को टारगेट किया है। जैसे कि आप जानते हैं, सलमान खान और कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म भारत के प्रमोशन के लिए ट्विटर पर लाइव और अपने फैंस के सवालों का जवाब दिया करते हैं। इस दौरान जब कैटरीना की एक फैन ने उनसे पूछा कि फिल्म भारत में अपने रोल के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की, तो तुरंत सलमान खान ने कह दिया कि प्रियंका ने ज्यादा टाइम नहीं दिया। कैटरीना ने कहा कि मुझे एक महीने का टाइम मिला था, मैंने बहुत मेहनत की। साथ ही साथ कैटरीना ने यह भी कहा कि मुझे फिल्म के डायरेक्टर यानी कि अली अब्बास जफर और सलमान खान ने बहुत सपोर्ट किया। इस पर सलमान खान ने फिर कहा कि सीरियसली कैटरीना ने बहुत मेहनत की है। इतने में ही फिल्म के डायरेक्टर ने सलमान की बात को काटते हुए दूसरा सवाल कर लिया। आपको बता दें कि फिल्म भारत में पहले कैटरीना वाला रोल प्रियंका चोपड़ा करने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर प्रियंका ने मेकर से ये कहकर फिल्म से किनारा कर लिया कि उन्हें शादी करनी है। इसके बाद सलमान के कहने पर फिल्म में कैटरीना कैफ को लिया गया। कैटरीना उस वक्त जीरो की शूटिंग में बिजी थी, लेकिन समय निकाल कर उन्होंने सलमान खान की फिल्म में काम किया। बता दें कि सलमान और कैटरीना की फिल्म भारत का बज बना हुआ है। इस फिल्म को देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड है। ये फिल्म 5 जून यानी कि ईद के मौके पर रिलीज होगी। इस फिल्म से दर्शकों की काफी उम्मीदें जुड़ी है। खास बात ये कि इस फिल्म के जरिए एक बार फिर से दर्शकों को सलमान और कैटरीना का रोमांस बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। फिलहाल आप इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और प्रियंका की जगह कैटरीना आपको सलमान के साथ कितनी अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।